जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। आज मैं आपको कराऊंगा टॉप 10 प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको कराऊंगा, क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा जो 2021 में होगी कक्षा 12 हिंदी विषय के पेपर में आपके पहले ही पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बहुविकल्पी ही आता है, जहां से आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। आपके विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या हरदेव बाहरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के क्या थे, प्रथम संपादक थे। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा 2011, 15, 19 और 20 में लगातार आ चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। आपका दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे, और यह प्रश्न 2011, 15, 19 और 20 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया। तो आपके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। यह प्रश्न भी 2013 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है, यानी प्रारंभिक गद्य लेखक जो थे उनमें से एक राजा था जिसका क्या नाम था। विकल्प है आपके, और सही विकल्प है आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद। यह प्रश्न भी 2012 की परीक्षा में आ चुका है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहां पर देख लीजिए, प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत पूछा गया है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, यानी किस सन में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1880 ईस्वी में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा 2013 और 2014 में पूछा जा चुका है, और इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो दिए गए विकल्पों में से सही है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु युग के लेखक हैं, और यह प्रश्न 2011 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। यह प्रश्न आपकी 2011, 12, 13, 16, 18 और 19 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से बाल कृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति रचना है, यानी किस युग की रचना है, भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग या द्विवेदी युग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रकांता संतति द्विवेदी युग की रचना है। और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप देख लीजिए कितनी बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, सन 2012, 13, 14, 17 और 2019 में। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। कौन थे दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र जी थे। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका है किस युग की है, सरस्वती पत्रिका किस युग की है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से द्विवेदी युग की है, और प्रश्न ये पूछा गया है 2016 की बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हंस पत्रिका का, या कविवचन सुधा पत्रिका का, या दिनमान का, या धर्मयुग का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कविवचन सुधा का, संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा भारतेंदु युग में किया गया। दोस्तों इसी तरह से क्रमवार से पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।